वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज। पूर्वांचल में बीते तीन दिनों से हो रही आफत की बारिश ने हर तरफ त्राही त्राही मचाया है। आपको बता दें कि जहां सरकारी महकमा इससे अछूता नहीं है, वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम की मऊ कार्यालय पे भी घुटनों तक पानी लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से घुटनों तक ऑफिस में पानी लगा हुआ है। बीते दिनों हुई बारिश से उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण खंड 2 मऊ में पानी भरने से जहां शाम तक पानी का निकासी नहीं किया जा सका, वहीं सरकारी अभिलेख भी इन पानी में गल चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पूर्वांचल में 18 तारीख तक हुई भीषण बारिश ने हर तरफ त्राही त्राही मचाया है। वहीं सरकारी अभिलेखों का इस तरीके से असुरक्षित होना अपने आप में सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि संबंधित अधिकारी से बात करने पर बताया कि हमने जहां तक हो सका पानी निकालने की पूरी व्यवस्था की है और अभिलेखों को सुरक्षित रखने की भी, पर सुविधा और साधन न मिलने से जल निकासी लेट हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गए हैं विभाग के, और हमारे ऑफिस में भी काफ़ी दस्तावेज के साथ साथ सारी सीलिंग बुक, मीटर भी नए काफ़ी जलमग्न हो गए और डूब गए, जो खराब हैं। लैब में टेस्ट करने के बाद ही उसका पता चल पाएगा कि वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दस्तावेज तो बुरी तरह से हमारे यहाँ जो है, जो भी सीलिंग बुक है, रजिस्टर आदि जो हैं, काफ़ी नष्ट हो गए हैं। इसमें चूंकि बिजली विभाग और लापरवाही, मतलब मेन रूप से तो ये देखा जाए कि नगर निगम यहाँ का मऊ जो है, अगर पानी निकास की व्यवस्था सही कर दे तो ये जल जमाव जो है हमारे कॉलोनी और ऑफिसों में न हो। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.